भरतपुर राजस्थान से सौरभ राजपूत जी हैं, इन्होंने प्रश्न किया हुआ है कि क्या आचार्य जी संध्या तीनों वर्णों को करनी चाहिए, क्या क्षत्रिय बिना उपनयन संस्कार के संध्या कर सकता है। तो ये निश्चित है कि तीनों वर्णों को संध्या करने का अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही संध्या करें, अवश्य करें। ये संध्या करने के लिए शास्त्रों ने बहुत जोर दिया है। और दूसरी बात कि जब तक उपनयन नहीं हुआ है तब तक ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य भी किसी भी वैदिक कर्म करने के अधिकारी नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए और शूद्रों के लिए तथा द्विज बंधु नाम, द्विज बंधु कहते हैं पतित ब्राह्मण, पतित क्षत्रिय, पतित वैश्य, यानी सावित्री से पतित, संस्कारों से पतित, अर्थात जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे द्विज भी, यहां द्विज शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के लिए कहा जा रहा है, जो द्विज बंधु कहा गया है। बंधु शब्द जब किसी जातिवाचक शब्द से जुड़ जाता है तो अधम अर्थ दर्शाता है। जैसे बहुत से लोग वर्णन करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, वे उसको समझते नहीं है। विप्र बंधु माने पतित ब्राह्मण, क्षत्र बंधु, वैश्य बंधु, द्विज बंधु, इनके अर्थ होते हैं निकृष्ट, पतित। तो द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा, जो जो अनुपनीत अनुपवीति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, ऐसे उनको द्विज बंधु कहा जाता है, उनका भी वैदिक किसी भी कर्म में अधिकार नहीं है। संध्या अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपना समय पर उपनयन करा करके, ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक उपनयन कराने के लिए शास्त्रों ने निर्देश किया है, और क्षत्रियों के लिए 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक, और वैश्यों के लिए 16 वर्ष से और 32 वर्ष तक की आयु में उपनयन कराने का शास्त्रों ने आदेश दिया है। इसमें वो उपनयन करा करके और फिर संध्या वंदन, वेद आदि का पाठ अवश्य करें, ऐसा निर्देश है। जो लोग नहीं करते हैं उनको किसी भी कर्म का, कोई भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। जिसका उपनयन नहीं हुआ और जिसको जो है संध्या कर, संध्या जो नहीं करता है, वो लिखा हुआ अनर्हा सर्व कर्मसु, संध्या ये न विज्ञाता, संध्या ये न अनुपासिता, जीव मानो भवेत क्षुद्र मृत श्वाचा विजायते। जो देवी भागवत का जो श्लोक है, देवी भागवत के एकादश स्कंद में 16 अध्याय में 7वां श्लोक है कि संध्या येन न विज्ञाता, येन संध्या न विज्ञाता, जिसके द्वारा संध्या नहीं जानी गई, संध्या येनानुपासिता, जो संध्या उपासना नहीं करता, संध्योपासना कर्म को जो नहीं करता, वो जीवमाना भवेत क्षुद्र, ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत हो जाने के बावजूद भी यदि वो संध्या नहीं करता है तो जीव माना, माने जिंदा ही जिंदा, मरने के बाद की बात नहीं है, जीव माना भवेत क्षुद्र, जिंदा ही जिंदा शूद्र के समान हो जाता है। और मरने के बाद बोले मृत श्वाचा विजायते, मरने के बाद तो वो कुत्ता बनेगा। तो इसलिए ध्यान दे करके, कान खोल करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को सुन लेना चाहिए कि आप जो कहते हैं कि हमारा वेदों में अधिकार है, अधिकार है, तो ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप अपना और अपने बालकों का उपनयन संस्कार करवाएं और कम से कम संध्या बंधन उनको सिखाएं और करवाएं, वो संध्या बंधन करें, अन्यथा वे शूद्रवत माने जाते हैं और मरने के बाद कुत्ते बनते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं देवी भागवत में भगवान व्यास खुद कह रहे हैं कि मृत श्वाचा भिजायते, मरने के बाद कुत्ते बनते हैं। और यहां भी
जो संध्या नहीं करते हैं, दक्ष स्मृति का वचन सुनिएगा, जो संध्या नहीं करते हैं वो सदा ही अपवित्र है। जो संध्या बंधन नहीं करता अधिकारी है, जिसका उपनयन आदि भी हो गया है, ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या नहीं करता या जिनका उपनयन नहीं हुआ है, वे लोग भी संध्या न करने से, चाहे वे जो है कुछ भी कर लें, वो पवित्र नहीं है, सदा अपवित्र है। संध्याहीनो सुचिर नित्य, संध्याहीनो सुचिर नित्य मनरहा सर्व कर्मसु, और यदन्यत कुरते कर्म न तस्य फल भाग भवेत। संध्याहीनः, जो संध्या से हीन है, संध्या गायत्री आदि जो नहीं करते, वे नित्यम अशुचि ही सदा अपवित्र हैं, और अपवित्र होने से सर्व कर्मसु अनर्हः, किसी भी सभी कर्मों में, मतलब सभी कर्मों में अनर्ह हैं, यानी अयोग्य हैं, किसी भी कर्म करने के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी अपवित्र होते हुए भी और अयोग्य होते हुए भी कोई चाहे हम कर लें, और करते हैं, दुनिया कुछ ना कुछ कर ही रही है, करते हैं लोग, तो यदन्यत कुरते कर्म, यदि वे कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, सत्कर्म जो भी कर्म करते हैं, सत्कर्म विधायक, वे सब न तस्य फल भाग भवे, वो उसका किसी का भी कोई भी फल प्राप्त नहीं करते, उनको फल नहीं मिलता है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को अपनी अपनी आयु में यज्ञोपवीत करा करके और फिर सावित्री का जप अवश्य करना चाहिए, और स्त्री शूद्रों को इसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो भगवान का नाम जप करने मात्र से ही ये फल प्राप्त हो जाता है।